तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनूर टेक्निकल में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आपको संकट मोचन चैनल व्लॉग की तरह जो शॉर्ट वीडियो होते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों उस टाइप का जो वीडियो है वो बहुत ही जल्दी इस समय वायरल हो रहे हैं, आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। 55 मिलियन, 60 मिलियन, 44 मिलियन, मतलब एक एक वीडियो से $100 कमा रहे हैं वो सिर्फ शॉर्ट वीडियो से। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन दोस्तों उनके जो करेक्टर है वो थोड़ा अलग है। लेकिन मैंने भी वैसे ही ट्राई किया है अपने चैनल पर और क्रोमाटोन्स के करेक्टर से, फिर भी व्यू बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, हम पहले व्यू दिखा देते हैं आपको अपने YT स्टूडियो में ले जाकर, फिर उसके बाद बनाना बताएंगे। तो देखिए यहाँ हम आ चुके हैं अपने YT स्टूडियो में, यहाँ हम शॉर्ट सेक्शन पर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप शॉर्ट सेक्शन में व्यू, यहाँ दोस्तों देखिए 2500 के व्यू, 7 घंटे पहले 6800 व्यू, 8000 व्यू, 14000 व्यू, मतलब इस टाइप के जो शॉर्ट हम बना रहे हैं वो सिर्फ क्रोमाटोन के ही करेक्टर लेकर बना रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यू उसके बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहे हैं। और एक एक वीडियो सबसे 50-50 सब्सक्राइबर मैंने गेन किए हैं। तो आप भी इस तरह गेन कर सकते हो और इनकम भी अच्छी खासी कर सकते हो अगर आपका चैनल मोनेटाइज है। तो दोस्तों अगर इस टाइप का जो शॉर्ट है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो अपना बैकग्राउंड है वो बनाना होगा। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना होगा अपने IBIS पेंट ऐप पर। हाँ दोस्तों देखिए, मैं आ चुके हैं IBIS पेंट ऐप पर। यहाँ पर आपको माई गैलरी पे क्लिक करना है, नीचे देखिए प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए आप 16:9 का जो 3K रेशियो है आपको ये वाला ले लेना है। आप कोई सा भी रेशियो ले सकते हो। यहाँ से दोस्तों देखिए शॉर्ट का रेशियो लेना है क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए शॉर्ट का रेशियो ले लेना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो लाइक ज़रूर करें। और साथ दोस्तों इसी वीडियो के बीच में मैं इनमें जो करेक्टर यूज़ करूँगा वो करेक्टर भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो बना लेना होगा। तो बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा ब्रश पे और यहाँ से हमको सिंपली बेसिक पर जाकर बॉल पॉइंट पेन या डिजिटल पेन या ड्राइंग पेन आप कोई सा भी ले सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों देखिए हम ले लेते हैं बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, ये हमने ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए उंगली का आइकन देखने को मिलेगा ऊपर साइड, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से एस टाम का टूल ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे करके बना लेना है, ये देखिए ऐसे करके आपको बना लेना है। थोड़ा सा इसका जो साइज है आप बड़ा कर दीजिएगा, देख लीजिए ऐसे करके आपको बनाना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे करके इनका बना लेना है, ठीक, ये देख लीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो इस टाइप का देखिए आपको बना लेना है, ये देखिए दो ऐसे कर लेने हैं। फिर यहाँ साइड से आपको ऐसे ऐड कर लेना है, देख लीजिए साइड से आपको ऐसे ऐड करना है और फिर यहाँ पर आपको ऐड करना है, देख लीजिए बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है, मतलब बहुत कठिन नहीं, बिल्कुल इजी बैकग्राउंड है जो आप बना सकते हो, देख लीजिए। तो इस टाइप का देखिए आप बैकग्राउंड बना लेंगे, ठीक। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का आपका बैकग्राउंड बनेगा। उसके बाद दोस्तों आपको इसको ऐसे ऐसे करके, देख लीजिए ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आपको ऐड करना होगा, ये देख लीजिए, ये देखिए इस टाइप का आपको ऐड कर देना है, ठीक, देख लीजिए। तो इस टाइप का आपको मतलब बहुत हाई क्वालिटी बैकग्राउंड नहीं बनाना है, देखिए ऐसे करके आपको बना लेना है, कुछ इस टाइप का देखिए बैकग्राउंड बन जाएगा। बनने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको कलर फिल कर देना है। तो ये देखिए हमने कलर फिल कर देंगे यहाँ पर, ये देखिए पूरे में हो गया है। तो यहाँ दोस्तों जहाँ जहाँ कटा हुआ है आप इसको ऐसे करके कलर फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हम जाएंगे बकेट पे और ये वाला कलर हम ले लेते हैं और यहाँ फिल कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप का हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इस पर जाना है और इस पर क्लिक करके ये वाला कलर यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो देखिए आपका बन जाएगा, हल्का सा आप लाइट ले लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, हल्का। तो ये देखिए, ठीक, तो इस टाइप का देखिए आपका जो बैकग्राउंड है वो बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको होल्ड टाइप करके और यहाँ पर भी आप चाहो तो फिल करना चाहो तो यहाँ भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाना है और जाने के बाद कलर बॉक्स पे जाना है, ये वाला कलर ले लेना है, ठीक है। तो ये वाला हम लाइट वाला कलर ले लेंगे, ये वाला देखिए, ठीक। तो अब हमको इस पर इसको ऐसे करके ऐड कर देना है, देख लीजिए। दोस्तों हम दिखा रहे हैं जल्दी जल्दी डेमो बनाकर, बाकी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ऐसे फिल कर देना है, ये देखिए आपका जो बैकग्राउंड है वो बनता चला जाएगा बहुत इजी। अब दोस्तों इस पर क्लिक करके आपको इसके जो पत्थर हैं वो बना देने, तो यहाँ से आपको वाइट पत्थर बनाने हैं,
तो यहाँ से दोस्तों देखिए आप ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पत्थर बना लेंगे, देख लीजिए। इस टाइप का आप पत्थर बना लेंगे, लेने के बाद दोस्तों आपको इस पे जाना है और इनको सबको कलर फिल कर देना है। देख लीजिए यहाँ कलर फिल करना है, पहले हम देखिए ये बकेट चूज़ करेंगे और ये देखिए कलर फिल कर देंगे, ठीक। देख लीजिए ईजली दोस्तों बिल्कुल बन रहा है, ये देख लीजिए। तो इस टाइप का देखिए कलर फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो कलर है इसको आपको क्या करना है, यहाँ बकेट पे जाना है, पेंसिल पे जाना है और ऐसे करके हल्का सा डार्क कर देना है, तो ये थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो आप दोस्तों देखिए ये देखिए ये थोड़ा सा HD हो गया। अब दोस्तों हमको इसको शेड दे देना है, तो यहाँ ब्रश पे जाएंगे और ब्रश पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एयर ब्रश सेलेक्ट कर लेना है और इसको कर लेना है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद दोस्तों देखिए ऐसे ऐसे करके आपको इसका साइज बड़ा कर देना है और ऐसे ऐसे करके आपको देखिए बना लेना है, ठीक। तो इस टाइप का देखिए आप बना लेंगे, ये देखिए ठीक इस टाइप का देखिए हो जाएगा। दोस्तों हम देखिए आपको ऐसे ही डेमो देके दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो उनके चैनल का और उसके बाद उससे बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको ले आए, तो इस टाइप का देखिए कुछ आपका बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एरो पे जाना है और इसको कर लेना है सेवेस ट्रांसपेरेंट PNG, ठीक है। दोस्तों वीडियो पूरी देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस टाइप का देखिए आपको कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आप हमको सिंपली क्या करना है, चले जाना होगा अपने क्रोमाटोन एप्लीकेशन में, वहाँ से जो अपना जो करेक्टर है वो ले लेते हैं, ठीक है। हम आ चुके हैं क्रोमाटोन एप्लीकेशन में, यहाँ आपको चार करेक्टर देखने को मिलेंगे। आपको कोई सा भी करेक्टर यूज़ करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, दो करेक्टर आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों देखिए हम नॉर्मल करेक्टर ले लेते हैं, आप कोई सा भी करेक्टर ले लेना। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इम्पोर्ट कस्टम पर चले जाना है, या देखिए हम सब करेक्टर को इम्पोर्ट कस्टम कर दे रहे हैं, फिर हम करेक्टर ले लेंगे। तो ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम इम्पोर्ट कस्टम कर देंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ लोड पे जाके आपको सारे करेक्टर ले लेने हैं जो जो आप चूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ से दोस्तों देखिए हम करेक्टर ले लेते हैं जल्दी जल्दी। हमारे जो चारों करेक्टर हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये चारों करेक्टर आ चुके हैं। उसके बाद तो आपको सिंपली क्या करना है, ये करेक्टर को देखिए हम ऐसे रख देंगे और इस करेक्टर को यहाँ पर ऐसे साइड पर कर देंगे। करने के बाद दोस्तों अब हमको क्या करना है, ये जो दो आगे वाले करेक्टर हैं इनको कर लेना है आपको नॉर्मल वॉकिंग का एनिमेशन। यहाँ से दोस्तों देखिए हम दिखा दे रहे हैं, आप कोई सा भी एनिमेशन कर सकते हो जिस टाइप का आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए हम ये इस पर कर लेते हैं, इसको भी वॉकिंग कर लेते हैं, लेडीज़ को भी। तो ये भी देखिए ये वॉकिंग का एनिमेशन हो चुका है। अब दोस्तों इसको हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे लड़के के करेक्टर पर, इसको हमको कर लेंगे वॉकिंग। तो इसको भी हम वॉकिंग कर लेते हैं। तो जल्दी से दोस्तों देखिए वॉकिंग कर लिया है। और सेकंड पर आपको इसको कर लेना है जंप। तो यहाँ देखिए दोस्तों नीचे जाना है और यहाँ जंप का जो एनिमेशन है वो हम दे देते हैं। तो ये देखिए जंप का भी एनिमेशन आ चुका है। आने के बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है, इसको फिर से वॉकिंग कर लेना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए हम फिर से वॉकिंग का जो एनिमेशन है वो कर लेते हैं लड़के पर, ठीक है। करने के बाद दोस्तों इसको हमको सिंपली इस पर क्लिक करके और इसको मतलब फोर्थ नंबर पर आपको इस रो पर क्लिक करके इसका जो एनिमेशन है वो हमको सिंपली कर लेना है वॉकिंग प्रॉप 1। तो यहाँ से वॉकिंग प्रॉप 1 वाला जो एनिमेशन है वो हमको कर लेना है ये वाला, ठीक है। करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करके इसको हम कर देंगे आइडल। तो यहाँ देखिए इस टाइप का इसका जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, ये जो चुड़ैल का करेक्टर है ये वाला आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर जाना है, इसको कर लेना है फ्लाइंग आइडल। तो यहाँ से दोस्तों देखिए हम सबसे पहले फ्लाइंग आइडल का जो एनिमेशन है वो हमको कर लेना है। तो देखिए फ्लाइंग आइडल कर लेंगे, सेकेंड पर कर लेंगे एंग्री, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको फ्लाइंग आइडल कर लेना है और फिर से आपको यहाँ पर कर लेना है एंग्री, ठीक। फिर यहाँ से आपको फ्लाइंग आइडल करना है और फिर यहाँ से आपको कर लेना है एंग्री। तो ऐसे करके आपको एंग्री, फ्लाइंग आइडल कर लें और फिर इस पर क्लिक कर देखिए आपका जो जितने एनिमेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। होने के बाद दोस्तों इसको आपको कर लेना है रिकॉर्ड। तो देखिए इसको आपको रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ बैकग्राउंड पे आप क्लिक करके इसको रिकॉर्ड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। वो हम करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे अपनी वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका है, ठीक है। अब देखिए अब हम चलते हैं अपने काइंड मास्टर ऐप में, वहाँ से आपको सबसे पहले वो बैकग्राउंड बनाएंगे बिल्कुल HD। उसके बाद ये करेक्टर भी यूज़ करके फुल एडिटिंग आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। यहाँ दोस्तों देखिए हम आज के काइंड मास्टर ऐप में, यहाँ से हमको सिंपली क्या करना है, 9:16 का रेशियो ले लेना है, यानी शॉट का, ठीक है। आप दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फुल साइज में हो जाएगा ताकि आपको क्लियर दिख सके, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको सिंपली क्या करना है, एक स्काई का PNG लेकर आना है। तो आपको सिंपली एक स्काई का PNG मिल जाएगा गूगल से या इमेज सर्चमैन ऐप से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ मीडिया पर जाएंगे और एक स्काई का PNG ले लेते हैं। ये देखिए हमने ब्लू स्काई ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों आपको इसको ऐसे खींचकर बड़ा कर देना है, लगभग 40 सेकंड का कर देना है क्योंकि वीडियो भी हमारी लगभग 40 सेकंड की ही बनती है,
दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आगे आना है और इस पर क्लिक करके यहाँ पैनल जूम पर जाना है और इसको ऐसे करके जूम कर देना है। ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको जूम करना है, ठीक इस टाइप का, और यहाँ से आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों जो अभी अभी हमने बैकग्राउंड बनाया है वो बैकग्राउंड लेकर आना है। तो हम यहाँ लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और बैकग्राउंड जो है वो हम ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक ये बैकग्राउंड बनाया था, बाकी जो हमने सिखाया था आप भी ऐसा भी बना सकते हो। ये देखिए ये वाला बैकग्राउंड हमने चूज़ किया है यहाँ पर, आप कोई सा भी जैसा आप चाहो वैसा बना के ले सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको बैकग्राउंड हमने ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों इसको हम ऐसे करके ऐड कर देंगे यहाँ पर, देखिए कुछ इस टाइप का आपको ऐड कर देना है। आप चाहो तो थोड़ा सा छोटा करके बिल्कुल सेट करके ऐड करना ताकि ख़राब ना लगे, ठीक है। तो इस टाइप का देखिए आपको ऐड करना है। तो ये देखिए ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद दोस्तों इसका भी ड्यूरेशन हमको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसको वीडियो के हिसाब से इसका ड्यूरेशन खींच कर बढ़ा देना है। करने के बाद दोस्तों अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक पेड़ का पीएनजी लेकर आना है। आप चाहो तो पेड़ लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ हम देखिए लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, एक पेड़ का पीएनजी भी ले लेते हैं ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो और एचडी लगने लगे, ठीक है। चुका आने के बाद दोस्तों इसको हम बड़ा करेंगे और यहाँ पर आपको ऐसे करके ऐड करना है, ठीक। आप यहाँ ऐड करेंगे, ऊपर थ्री डॉट पे जाएंगे, इसको कर देंगे सेंड टू बैक, तो ये पीछे साइड हल्का चला जाएगा दीवार के। तो इस टाइप का देखिए ये बैकग्राउंड भी पीछे चला जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसे करके एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसको भी हमको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसका भी ड्यूरेशन अपने वीडियो के हिसाब से बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ा देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमको सिंपली एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आना है। लकड़ी का टुकड़ा दोस्तों मैंने यहाँ बनाना नहीं सिखाया है, आप नॉर्मल सा है होता है आप बना सकते हो। IBIS पेन टाइप में दिखा देता हूँ किस टाइप का आपको चाहिए। ये दोस्तों ये लकड़ी का टुकड़ा ये देखिए आ चुका है। आने के बाद दोस्तों यहाँ आपको क्रोपिंग पर जाना है। क्रोपिंग पर जाने के बाद दोस्तों इसको ऐसे करके एडजस्ट करना है। दोस्तों यहाँ हम देखिए बैकग्राउंड जो है अपना कंप्लीट कर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद करेक्टर भी ऐड करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस पर क्लिक करना है, इसको भी हमको ऐसे करके एडजस्ट कर देना है, यहाँ पर रख देना है, ठीक। रखने के बाद दोस्तों इसका भी ड्यूरेशन आपको ऐसे ही बढ़ा देना है अपने वीडियो के हिसाब से। ये देखिए कुछ इस टाइप का हो चुका है। होने के बाद दोस्तों अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर करेक्टर लेकर आना है। तो हम यहाँ लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और अपना जो करेक्टर है वो हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हम यहाँ करेक्टर ले लेंगे चुड़ैल का। तो चुड़ैल का करेक्टर देखिए पूरा हमने सब इकट्ठा रिकॉर्ड किया है। तो हम इस पर क्लिक करके इसका जो वॉइस आपको म्यूट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले वॉइस जो म्यूट कर देना है तो इस टाइप का देखिए आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ क्रोपिंग पर जाना है और चुड़ैल का ले लेंगे, सिर्फ जो चुड़ैल है हम उसको ले लेंगे। ये देखिए चुड़ैल का ऐसे करके ले लेंगे। दोस्तों यहाँ थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, इसमें बहुत मेहनत पड़ती है और दोस्तों इतनी जल्दी शॉर्ट वीडियो नहीं बन पाता, ठीक। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको कोरमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको इनेबल कर देना है और एडजस्ट कर देना है ताकि हमारा जो करेक्टर है वो क्लियर दिखने लगे, ठीक। अब दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और अपने करेक्टर को हम ऐसे करके बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये बढ़ा लेंगे। बढ़ा लेने के बाद दोस्तों देखिए हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं और यहाँ पर ऐसे लेटा देंगे, ठीक है। लेटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको रोटेट कर देना है, रोटेट एंड मिररिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देखिए हम दिखा देते हैं, मेरे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आता है उसमें रोटेट मिररिंग होती है, देखिए। तो ये देखिए इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये हमारा सीधा हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए हम इसको ऐसे करके लेटा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे और अच्छे से इसको हम लेटा देंगे अपने चुड़ैल को। तो आ जाएगा। आ जाने के बाद दोस्तों अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, अपने जो करेक्टर है वो लेकर आना है। तो यहाँ से दोस्तों हम देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ करेक्टर पे जाएंगे और जाने के बाद दोस्तों ये देखिए हमारे जो करेक्टर हैं वो आ चुके हैं। आने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ से एक एक करके करेक्टर ले लेंगे। तो यहाँ देखिए हम करेक्टर पर जाएंगे, यहाँ क्रोपिंग पर जाएंगे और जाने के बाद सबसे पहले हम ये लेडीज़ का करेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का, ठीक। और इसका जो वॉइस है वो म्यूट करते जाएंगे, ठीक है। म्यूट ज़रूर करेंगे नहीं तो आपका जो वॉइस है वो प्रॉब्लम करेगा। तो इस वजह से ये देखिए आप इस पर क्लिक करके आपको इसका कोरमा की इनेबल कर देना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए कोरमा की इनेबल हम कर देंगे, ये देखिए, और ऐसे करके एडजस्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा करेक्टर को हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसका साइज़ ऐसे करके हम करेक्टर को बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ा देने के बाद दोस्तों इसको हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। वो एडजस्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको करेक्टर को रख देना है, ठीक है। रखने के बाद दोस्तों साइड पर देखिए आपको की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर जाना है और जाने के बाद दोस्तों अपने करेक्टर को देखिए मैं ऐसे करके आगे लेकर आएंगे इतना, ठीक है, और प्लस करेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक लेकर आएंगे और दोस्तों आपको इसको ऐसे करके बढ़ाना है, ठीक, प्लस करना है और इसको फिर हमको हल्का सा टेढ़ा करना है, ऐसे टेढ़ा करेंगे और छोटा करेंगे इसको, हम देखिए ऐसे छोटा करेंगे और अपने करेक्टर को ऐसे चुड़ैल के पास लेकर आएंगे, ठीक है।
ठीक। और फिर दोस्तों हमको इसको देखिए आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से की पर क्लिक करके प्लस करेंगे और इसको हमको बिल्कुल चुड़ैल के मुंह के पास लाकर इसको छोटा करके यहाँ से गायब कर देना है। देख लीजिए बिल्कुल ऐसे करके आपको एडजस्ट करना है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर लाकर इसके मुंह के पास लाकर बस आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखते जाइए दोस्तों, यहाँ पर आपको कैंची पे जाना है, इसको कर देंगे स्प्लिट, तो स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट कर देना है और पीछे का पार्ट हम ऐसे करके डिलीट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा जो चुड़ैल का है वो देखिए आ रहा है, ये देखिए चल कर आई और ये देखिए चुड़ैल के पास गिरी और यहाँ से ये गायब हुई, ठीक। तो जहाँ से ये गायब हो रही इस जगह पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक इफेक्ट लगा देना है ब्लड वाला, तो वो ब्लड वाला इफेक्ट आप ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड कर लोगे आराम से। दोस्तों देखिए हम दिखा देते हैं आपको किस टाइप का लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों ब्लड का भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आप इसको होल्ड टाइप करके हम ऐसे लेकर आएंगे और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये इफेक्ट आपको लगाना है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ कोरमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसका कोरमा की इनेबल कर देना है, ये देखिए कुछ इस टाइप का, ठीक। और इसको ऐसे करके आपको एडजस्ट करना है हल्का सा, ये देखिए ठीक। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों जहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्टर गायब हो रहा है बस वहीं पर हमको इसको ऐसे करके लगाना है बिल्कुल इसके मुंह के पास, ठीक। ये देखिए यहाँ पर देख ली, बस ऐसे ही करके आपको बिल्कुल सेट करना है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का देखिए हमारा करेक्टर जाएगा और ये देखिए ठीक, तो इस टाइप का देखिए फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिला। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ जो हमारा करेक्टर लेटा हुआ है तो जहाँ पर ये अभी देखने ऐसे करके एंग्री करेगा जहाँ पर, तो वहाँ पर हमको इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए पहले चेक कर लेते हैं कहाँ पर एंग्री करेगा, तो अभी देखिए एंग्री करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंग्री कर रहा है, तो हमको इतना लेना है, कैची पर जाना है, आगे का पार्ट ऐसे ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद दोस्तों देखिए हम यहाँ देखिए छोटा करके दिखा दे रहे हैं, ट्रिम करना है और इसको ऐसे होल्ड करके आगे लेकर आना है, ठीक। तो इससे हम होल्ड करके आगे लेकर आएंगे, देख लीजिए ऐसे हमको होल्ड करके आगे लेकर। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस टाइप का देखिए हमारा कुछ बनकर तैयार होगा। यहाँ पर देखिए हम चला कर दिखा देते हैं, देखिए कुछ इस टाइप का आया और यहाँ ये नीचे गिरी और गिरने के बाद दोस्तों ये देखिए ये कुछ इस टाइप का ब्लड इफेक्ट, थोड़ा दोस्तों यहाँ ब्लड इफेक्ट का जो सेक्शन है इसको हमको थोड़ा सा बड़ा कर देना है ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे करके एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का क्लियर बिल्कुल दिखेगा ये हमारा, ये देखिए, ये देखिए ठीक, तो ये इफेक्ट आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि जहाँ से ये गिर रही है अब हमको ये चीज़ देखना है कि कहाँ से हमारा करेक्टर गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए ये करेक्टर यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आया। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये फट्टा लगा हुआ है लकड़ी का, आपको इस पर क्लिक करना है, कैची पर जाना है, इसको कर देना है स्प्लिट, ठीक। जैसे आप स्प्लिट करोगे तो ये देखिए कुछ ये कट के आ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए कटा हुआ है, ठीक है, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको की फ्रेम दे देना है इसका और इसको हल्का सा बढ़ाएंगे और प्लस करेंगे और ये फट्टे को हमको ऐसे करके नीचे ले जाना और ऐसे साइड पर ऐड करना है, ठीक है, ठीक। और फिर हम जैसे ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो अब दोस्तों ये देखिए नीचे गिर गई, प्लस करेंगे और इस फट्टे को हमको फिर से ऐसे करके, मतलब लकड़ी का जो फट्टा ऐड किया हमने उसको बता रहा हूँ, तो इसको फिर से आपको ऐसे करके ऐड कर देना है। तो ये देखिए कुछ इफेक्ट हमारा इस टाइप में आ जाएगा, ये देख लीजिए, ये देखिए ये गया और ये देखिए गिरा और ये चुड़ैल हमारा जो है वो ये खा लिया, तो इस टाइप का खा लिया। अब दोस्तों यहीं पर हमको सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और करेक्टर लेकर आएंगे हम, क्या कहते हैं, लड़के का भी करेक्टर आप ले सकते हो। यहाँ दोस्तों देखिए हम जाके थोड़ा सा आगे बढ़ा के लड़के का करेक्टर लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए लड़के का करेक्टर आ चुका है, आने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो वॉइस आपको म्यूट कर देना है। दोस्तों वीडियो पूरा देखें नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला कि कैसे कैसे इसकी एडिटिंग जो है वो बहुत ही खतरनाक होती है, ऐसे ही व्यू नहीं चले जाते, टाइम लगता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों पहले हम चेक कर लेंगे कहाँ से प्रॉप लेकर आ रहा लड़का, इस पर क्लिक करेंगे, कैची पर जाएंगे और आगे पार्ट ऐसे ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्रॉपिंग पर जाना है और सिर्फ हमको ऐसे करके लड़के को ले लेना है। सिर्फ हमने लड़के को ले लिया है, लेने के बाद दोस्तों यहाँ कोरमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए हम बड़ा करके दिखा देते हैं, ये देखिए कोरमा की का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है, इसको ऐसे करके एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का,
अब दोस्तों इसको हमको ऐसे करके बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमको इसको अपने लड़के को रख देना है इस टाइप का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हमको सिंपली क्या करना है, लड़के को आगे खींच कर लाना है जहाँ से इसकी माँ मरी थी वहाँ से, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर आपको लाना है जहाँ, ये देखिए थोड़ा सा आगे हम कर लेंगे तो इस टाइप का। अब देखेंगे कि कहाँ से हमारा जो चुड़ैल है दोबारा, ये देखिए हो रही यहाँ पर, ये देखिए ठीक यहाँ पर देखिए होगी, ठीक है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ की पर जाना है, और जाने के बाद दोस्तों ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे लड़के को, प्लस करेंगे और इसको उठाकर हमको यहाँ पर खड़ा कर देना है लड़के को, ठीक। और लड़के के साथ साथ दोस्तों अब हमको सिंपली जो फायर का एनिमेशन है वो करेंगे। दोस्तों यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। तो आपको फायर का एनिमेशन यहाँ मिल जाएगा स्टिकर पर, तो यहाँ हम स्टिकर पर जाएंगे और फायर का एनिमेशन जो है यहीं पर आपको मिलेगा। ये देखिए कार्टून 2 करके है, तो ये रिएक्शन में मिल जाएगा आपको, रिएक्शन के इसमें होम के आइकन पर चले जाएंगे और रिएक्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये देखिए इसको खींच कर ऐसे करके बड़ा कर देना है इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो फायर है आपको जब ये लड़का आएगा, ठीक, तो ये फायर को इसको हाथ में देना है लड़के के, तो लड़के के हाथ में आपको नॉर्मल देना है, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, बस की फ्रेम का कमाल करना है। बस इस पर क्लिक करेंगे, फिर की फ्रेम पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको फायर पर भी की फ्रेम करना है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक, प्लस करेंगे और की फ्रेम को हम देखिए थोड़ा सा ये फायर आगे लेकर आएंगे ऐसे करके कि लड़के ने फायर फेंका, और फिर दोस्तों थोड़ा सा हम ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे और इस फायर को हम नीचे लेकर आएंगे, मतलब चुड़ैल के ऊपर ऐसे करके चुड़ैल के ऊपर लेकर आएंगे और इसका साइज हम ऐसे खींच कर बढ़ा देंगे, देख लीजिए ऊपर एडजस्ट कर देंगे। तो इस टाइप का आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए लाएंगे, क्लिक करेंगे, कैची पर जाएंगे, इसको कर देंगे स्प्लिट, ठीक है। अब स्प्लिट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, जो हमने पीछे का पार्ट स्प्लिट किया है आपको इसको कर देना है यहाँ ऊपर 3 डॉट पर जाकर डुप्लीकेट, अब तो डुप्लीकेट कर देंगे, और करने के बाद दोस्तों इसको हमको ऐसे करके एडजस्ट कर देना है, यानी 2-3 बार फायर कर देना है डुप्लीकेट करके, ठीक है। ये देखिए आपका जो फायर वाला भी है वो बन जाएगा दोस्तों, हम बहुत बड़ा। और दोस्तों इसका जो म्यूज़िक है, मेन म्यूज़िक का काम है दोस्तों, तो वो म्यूज़िक क्या है उससे पहले मैं बता दूं कि जो करेक्टर का लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ये सारे करेक्टर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक के लिए आपको समझ के करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखो, वहां से आपको हाई नियॉन करके एक म्यूज़िक का नाम मिलेगा, आप वो डाउनलोड कर लेना, जो कि बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। तो यहाँ दोस्तों देखिए हम म्यूज़िक का भी लिंक आपको दे देंगे, तो ये देखिए कुछ इस टाइप का हमारा जो है वो बनकर तैयार होगा। ये गया और ये हमारा ये मर गई, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लड़का आ रहा है और ये फायर फेंका और ये जल गई। तो इस टाइप का जब आपका एनिमेशन हो जाएगा हाई नियॉन का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर और भी ऑडियो इफेक्ट लेना चाहते हो तो आप यहाँ से इफेक्ट से ले सकते हो, यहाँ पर देखिए एक ये मिल जाएगा, यहाँ से दोस्तों आपको कई ऑडियो मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो रहे हैं, तो दोस्तों अभी ऐसा वीडियो बनाइए और अपने चैनल पर अपलोड करके अपने चैनल को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हो। दोस्तों इसमें पैसे भी बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं इस समय, ये देख लीजिए कुछ इस टाइप का आपका जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और बहुत ही ईजिली मैंने भी बनाया है और अच्छा खासा उससे इनकम भी हुई है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।